दोस्तों, आज के वीडियो में हम शादीशुदा औरत को फंसाने के तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आपने चैनल एजुस्टेशन उर्दू इन्फो में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आप दोस्तों को हंसता और मुस्कुराता रखे। जो मर्द हजरात शादीशुदा औरत को पसंद करते हैं और उसको प्यार के जाल में फंसा कर उसके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि औरत के दिल में अपनी मोहब्बत को वो कैसे जगाएं, लेकिन किस तरह से उसका एतबार दें और किस तरह से उसको प्रपोज करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों, मैं आपको तीन ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा जिस भी शादीशुदा औरत को आप मोहब्बत के जाल में फंसा सकते हो, भी लगा सकते हो। इसलिए अगर आप भी इन टिप्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो है ये खास एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बराए मेहरबानी इसका कोई भी गलत मतलब ना लिया जाए। तो आइए फिर वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। नंबर एक, शादीशुदा औरत को पटाने के लिए और उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस औरत को नोटिस करें और उसकी तारीफ करें, क्योंकि अक्सर शादीशुदा औरत को वो प्यार और तवज्जो नहीं मिलती जिसकी वो हकदार होती है। अगर आप होशियार होंगे तो जल्दी ही जान जाएंगे कि उस औरत की कमज़ोरी क्या है, और अगर उसे प्यार और तवज्जो की कमी है तो वो आप उसको देना शुरू कर दें, उसके करीब जाएं और उसके साथ अपनी बातचीत को बढ़ाएं। अगर वो आपको खामोशी से देखती है और कुछ बोल नहीं रही तो आप घबराएं नहीं, बल्कि पूरे एतमाद से उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके साथ बात करें। आप देखना कि वो धीरे धीरे आपको पसंद करने लगेगी। नंबर दो, औरत ऐसे मर्द को ज़्यादा पसंद करती है जो उसको मुस्बत अंदाज से मिलता है। आपने उसके दिल में जगह बनाने के लिए उसके साथ जज्बाती तौर पर मुंसलिक होना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसे हंसाएं। अगर वो आपकी बातों पर हंस पड़ती है तो वो आपके आसपास रहना पसंद करेगी, और अगर उसका शौहर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, उसको जलील कर रहा है, तो आपका प्यार भरा लहजा और आपका ये अंदाज उस औरत के दिल में आपके लिए कुर्बत पैदा कर देगा। नंबर तीन, अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो उसके छोटे छोटे कामों में उसका साथ दें, उसकी बात को सुने और ऐसे में अपना हाथ उसके हाथ में लेकर उसको ये एहसास दिलाएं कि आप हर पल उसके साथ हैं। ऐसा करने से वो औरत आपके लिए ज़्यादा हसास हो जाएगी और शायद आपकी जानिब मायल भी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो औरत आपके साथ अपना वक़्त गुजारे तो उसको ऐसी लत लगा दें कि वो औरत आपके बगैर आपके करीब आने रह भी ना पाए। वो इतनी आपकी तरफ मायल हो जाए कि आपको और कुछ उसको आपके सिवा अच्छा ना लगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दें, नए ऐसे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।